मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संदीप शर्मा अपने यूट्यूब चैनल विजय लक्ष्मी एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं, जिसका प्राइम फोकस है प्योर टीचिंग नथिंग एल्स। स्टूडेंट्स, जैसे आज स्पेशली जो ये वीडियो बना रहा हूं मैं, स्पेशली कर्नाटका बैंक का जो रिसेंटली 15 मार्च से इंटरव्यूज स्टार्ट होने वाले हैं, अगर हम कर्नाटका बैंक की बात करें तो कर्नाटका बैंक वन ऑफ द लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक है इंडिया का, जिसके इंटरव्यूज होने वाले हैं 15 तारीख को। बहुत से बच्चों का कॉल आया, मैसेज आया कि सर आप इसके बारे में, इंटरव्यूज के बारे में बनाइए, तो स्पेशली उन बच्चों को डेडिकेट है। बेटा, घबराने की सबसे पहली बात तो कोई बात नहीं है। पहली बात तो ये, आपने एक तरह से रिटर्न निकाला हुआ है, अब आपको बस वो नॉर्मली बुला रहे हैं, वहां क्यों बुला रहे हैं, बस आपसे थोड़ा सा मिलना चाहते हैं और इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, इसको हमने दो तरह से पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में हम जो नॉर्मल सी बातें उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, और पार्ट बी या पार्ट टू में हम और आपसे जो एक तरह से क्रिटिकल बातें हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब किया है तो शेयर करिए, प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी करिएगा। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, हमने एक तरह से ऑर्डर वाइज मैंने डिवाइड किया है कि इंटरव्यू से पहले आपको क्या करना चाहिए। पहला है तो बैंक की इंफॉर्मेशन, जैसे कर्नाटका बैंक की कितनी ब्रांचेस हैं, उसकी हिस्ट्री हो गई, उसके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, नंबर ऑफ एटीएम्स कितने हैं, कौन कौन सी वो स्कीम्स को प्रमोट कर रहा है, इन सब चीजों, कहां कहां पे उसका बेसिक पेनिट्रेशन है मार्केट का, इन चीजों के और क्या होगा इसके बारे में हम आपको जो दूसरा वीडियो होगा उसके बारे में बताएंगे। दूसरी चीज, इवैल्यूएट जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन का सीधा मतलब है आप अपना जो जॉब प्रोफाइल है, जैसे कर्नाटका बैंक पीओ का है, सेकंड नंबर पे है, तो उसको आपको क्या करना है, किस हिसाब से जॉब का डिस्क्रिप्शन है, पीओ के वर्क कल्चर क्या है, पीओ को अगर लोन सैंक्शन कराना हुआ, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, केवाईसी के क्या नॉर्म्स हैं, क्या क्या उसको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसके बारे में अब आपको डिस्कस करना है। तीसरा, फिट इन स्किल एंड क्वालिटीज, आपने जो ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, उसके बारे में, उसके प्रॉपर क्वालिटीज के बारे में आपको क्या करना है, उसके बारे में आप उस जॉब क्राइटेरिया में कैसे फिट होते हैं, ये आपको कन्विंस करना है इंटरव्यूअर को। आपकी डिग्री दिस इसलिए इंपॉर्टेंट है। चौथे नंबर पे अगर बात करें तो मेक अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट आपको वीडियो में बताएंगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके पोस्ट ग्रेजुएशन से, ग्रेजुएशन से, 10th और 12th से, और इवन कि अगर आप वर्किंग कंडीशन में हैं अभी प्रेजेंट में, तो उससे जो पूछे जा सकते हैं नॉर्मली है। मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा नेक्स्ट उसमें। ये तो अभी एक तरह से ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। पांचवा है मेक अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन हो गया। पांचवा है मॉक इंटरव्यू। आपको सच बता दें, मॉक इंटरव्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बिना इसके सक्सेस पाना, मैं ये नहीं कहता कि मिरेकल्स आर हैपन, लेकिन जब तक आप मॉक नहीं देंगे और एक सही गाइडलाइनर, ऐसे बहुत से लोग घूम रहे हैं कि वो अपने इंटरव्यू क्लास चला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो सही में आपको एक गाइडलाइनर मिल पाए, आप उससे क्या करिए, सजेशन लीजिए। अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज कराइए क्रोनोलॉजिकल वे में, जैसे आपने पीजी किया हुआ है तो पीजी पहले रखिए, फिर ग्रेजुएशन रखिए, फिर 10th और फिर 12th रखिए, इस तरह से आप काम करिए। ऑर्गेनाइज डॉक्यूमेंट, इंटरव्यू ड्रेस, इंटरव्यू ड्रेस कैसी होनी चाहिए हम इसमें डिस्कस करेंगे आपसे, किस हिसाब का पहनना चाहिए। चेक डायरेक्शन, जहां पे आपका इंटरव्यू हो रहा है, आठवें नंबर पे है, वहां पे का आप पहले से ही नॉलेज ले लीजिए कि आपको हड़बड़ी ना हो एकदम से आप पहुंच रहे हैं वहां पे। गूगल है, कई तरह की सहायता है, गूगल मैप से आप सहायता लेके कब पहुंच सकते हैं। अच्छी नींद लीजिए, 8-9 है, स्लीप एंड ईट वेल, अच्छे से सोइए और अगले सुबह उठ के, और कम खाना खाइए रात को कि सुबह आपको परेशानी ना हो, एकदम फील फ्रेश करें आप। फिर उसके बाद दसवां, बी कॉन्फिडेंट, पॉजिटिव, पॉजिटिव एटीट्यूड होना आपका बहुत जरूरी है। बिना पॉजिटिव एटीट्यूड के बड़ा मुश्किल होता है किसी एग्जाम को क्रैक करना। पहली बात तो आप खुश होइए, मुस्कुराइए कि आपने क्या किया हुआ है, आपने रिटन क्वालिफाई करके आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो आपको कोई नहीं हटा सकता। कॉन्फिडेंस होना चाहिए लेवल, और पॉजिटिव एटीट्यूड, और आपको सब्जेक्ट की नॉलेज है, आप सबसे बेहतर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंस की अगर हम बात करें, मेंस का ड्रेस कोड है, अगर आप ब्लेजर पहन रहे हैं, टाई और सफेद शर्ट है, थोड़ा क्रीम कलर की शर्ट, थोड़ा सा व्हाइटिश शर्ट लीजिए, पैंट में, ट्राउजर्स में अगर आप बात करें, ब्लैक कलर या ब्राउन कलर का चल सकता है, टाई आप ले सकते हैं नॉर्मली, अच्छी जो लगे आपके ऊपर, इट डिपेंड, और जिसमें आप कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा फॉर्मल ड्रेस होनी चाहिए। जूते आप ले लीजिए, ब्राउन या ब्लैक कलर के ले लीजिए, बेल्ट आपका ब्लैक कलर का या ब्राउन कलर का होना चाहिए, टाई की जो एक तरह से टाई पिन है या टाई अच्छे से क्या होनी चाहिए, टाई अप होनी चाहिए, वेल एक तरह से प्रेस होना चाहिए, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है।
वुमेन्स की बात करें, वुमेन्स ड्रेस कोड की बात करें, तो वेस्टर्न भी आप जा सकती हैं, इंडियन भी जा सकती हैं। वेस्टर्न में आप फॉर्मल पहन सकती हैं, अगर इंडियन की बात करें तो सलवार कुर्ता इज बेस्ट। और आगे बढ़ते हैं, और साथ में आप एक्सेसरीज क्या इस्तेमाल कर सकती हैं, जैसे मैंने बताया था, अगर मेंस की बात करें तो वॉच रख सकते हैं, ट्राउजर्स अच्छे से क्रीज बनी होनी चाहिए, शर्ट है जो वो व्हाइट कलर की बेस्ट होती है, क्रीम कलर की है, वो बेस्ट होती है, ब्लेजर हो गया आप लगा लीजिए, बेल्ट ब्राउन या ब्लैक, शूज जैसे बताया था ब्राउन और ब्लैक, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होना चाहिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये चीजें भी इंपॉर्टेंट रखती हैं। गर्ल्स की अगर बात करें, वॉच हो गया, हील्स, हाई हील्स ना हो ज्यादा, मीडियम साइज पे हो, शर्ट हो गई, ब्लेजर हो गया, सलवार सूट हो गया, और एक फोल्डर आप अपने साथ क्या करिए, कैरी करिए, जिसमें पूरे डॉक्यूमेंट्स आपके रखे होंगे। हेयर स्टाइल आपकी नॉर्मल होनी चाहिए, ज्यादा इतना ज्यादा मतलब ज्यादा उसमें पॉम्प एंड शो ना हो, नॉर्मल सी हेयर स्टाइल जिसमें आप कंफर्टेबल हो, अगले को भी कंफर्टेबल रखें। अगर बॉयज की बात करें तो बियर्ड है उसको आप अच्छा, अगर बियर्ड नहीं हटाना चाहते तो अच्छे से उसको ट्रिम करा लीजिए, और अगर क्लीन शेव हो तो इट विल बी बेटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फेस, अगर इंटरव्यू से लगभग आधे एक घंटे पहले अगर आप पहुंच रहे हैं तो वहां पे जाके बाथरूम में थोड़ा सा फेस वॉश रखे रहिए, अपना फेस को क्या करिए साफ कर लीजिए, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फोल्डर की बात करें तो इंटरव्यू, अगर हम फोल्डर की बात करें तो फोल्डर ऐसा होना चाहिए उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स आपके आ जाएं, ब्लैक कलर का हो, ब्राउन हो, ये भी चलता है, लेकिन मैंने कहा सबसे पहले आप पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लगाइए, फिर ग्रेजुएशन की डिग्री लगाइए, फिर अपना टेंथ लगाइए, फिर ट्वेल्थ, यानी जो सबसे पहले आपने अभी किया और रिसेंटली उस डिग्री को आगे करिए, फिर हाँ अगर आप जॉब कर रहे हैं कहीं पे तो जॉब का जो प्रोफाइल है उसका जो सर्टिफिकेशन है वो आगे लगा दीजिए आप सबसे पहले। चलिए, मॉक ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, बिना मॉक के हम आपको बता दें, मॉक भी उस व्यक्ति से लीजिए पहली बात तो ये, जिसको प्रॉपर नॉलेज हो, ऐसे नहीं कि किसी के पास भी आजकल 10 दुकानें चल रही हैं, प्रॉपर एक सजेशन, एक सजेस्टेड जो आपको सर्टिफाइड व्यक्ति है, जो जिसको बारे में आपने सुन रखा है, उससे आप जाके प्रॉपर गाइडेंस लीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए, क्योंकि आजकल हर कोई एक तरह से मॉक इंटरव्यू और सब कुछ करा रहा है, वो नहीं, आपको लगता है जो आपको एडवाइस करे आप उसी के पास जाइए। और क्या क्या चीजें हैं, सम डोंट्स ऑफ द इंटरव्यू प्रिपरेशन, आप देखिए इंटरव्यू में जब जाइए, जब कर रहे हैं तो कुछ चीजें आपको नहीं करनी है। पहला है, डू नॉट अराइव लेट फॉर द इंटरव्यू, इंटरव्यू में कभी भी लेट ना पहुंचिए समय से पहले, ये आपकी पंचुअलिटी बताता है। दूसरा, डू नॉट अराइव फॉर द इंटरव्यू विदाउट अ कॉपी ऑफ द रिज्यूम, आपने जो भी आपका रिज्यूम है उसकी एक आप फोटो कॉपी अपने पास रखे रहिए, नहीं तो वहां पे अगर मांगा तो आपको हड़बड़ाहट में आप गलत उत्तर भी दे सकते हैं, ये होता है। Do not speak loud, आप अगर बाहर आपका इंटरव्यू, अगर इंटरव्यू अंदर चल रहा है, बाहर आपको अभी वेटिंग में बैठे हुए हैं, तो बहुत ज्यादा तेज तेज बातें मत करिए, हंसी ठट्टा ज्यादा मत करिए, क्योंकि ऊपर से हो सकता है सीसीटीवी कैमरे से आपको वॉच किया जा रहा हो। नेक्स्ट देखिए, डू नॉट लेज ग्राउंड और हंच वाइल सिटिंग इन द वेटिंग एरिया, लेट ना जाइए, पसर मत जाइए अगर थोड़ा सा वेट करने को हो रहा है आपका, तो ऊपर से मैं बता रहा हूं आपको, कभी कभी आपको इंटरव्यूअर ऊपर से कैमरे से देखता भी है। Do not ask the interviewer any personal question, आप उससे मत पूछिए इंटरव्यूअर से। Do not use bad words, abusive word, मत करिए। और एक चीज और, आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, मुस्कुराइए सॉरी सर कह के, पहली बात तो ये, कॉन्फिडेंट होके कि आपने रिटन क्वालिफाई कर लिया है, बस आपको इंटरव्यू, ऐसा कुछ नहीं है कि आपने, हाँ लेकिन थोड़ा सा तैयारी भी करिए, और कोई चीज अगर आपको नहीं आती तो सॉरी सर कह के मुस्कुराइए, ये एकदम की फैक्ट है इंटरव्यू जीतने का। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, अपने मोबाइल फोन को प्लीज 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 कृपया एकदम शांत या साइलेंट मोड पर रखिए, नहीं तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो इसलिए इसको सावधानी पूर्वक आप साइलेंट मोड पे रख दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स गुड लक, अभी हम दूसरे जो एक तरीके से हमारा वीडियो बनेगा इसी के लिए, उसमें हम आपको डीपली कर्नाटका बैंक के लिए, उसमें हम डीपली आपसे डिस्कशन करेंगे, और इस वीडियो को बार बार देखिए जो अभी फर्स्ट वीडियो बनाया जा रहा है, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको नोट करिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, और जल्द ही हम दूसरे वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए फिर अगेन गुड लक।